फास्टैग अपनी लेटेस्ट स्मार्टवॉच के साथ आज का ये है 1500 के अंदर सेल आउट होने वाली स्मार्टवॉच रिफ्लेक्स बीट प्लस, ये आपको 1500 में देखने के लिए मिलेगी। 1.69 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है, बट सभी डिटेल्स हम बात करेंगे इसके अनबॉक्सिंग के बाद। बॉक्स कंटेंट पे एक बार देख लेते हैं क्या आपको मिलेगा। फर्स्ट ट्रैक रिलैक्स बीट प्लस का बॉक्स कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलता है। सामने की तरफ स्मार्ट वॉच, पीछे की हाइलाइट्स लिखी हुई हैं, एप्लीकेशन का QR कोड, साइड में प्राइसिंग वगैरह मेंशन है। कर लेते हैं इसको ओपन। सबसे पहले आपको मिलेगी स्मार्ट वॉच, उसके बाद एक प्रोडक्ट मैनुअल काफी छोटी, देन हाउ टू यूज गाइड, फास्ट ट्रैक के टैग के साथ आपको यहाँ पे इसका बैंड मिल जाता है, एंड एक पोको पिन चार्जर। हमने स्मार्ट वॉच ऑन कर लिया, एंड यहाँ पे आपको जस्ट फास्ट ट्रैक का लोगो है एंड स्कैन टू पेयर लाइक, तो फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए भी आपको स्कैन करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन का नाम है फास्ट ट्रैक रिलैक्स वर्ल्ड। तो हमने जो है स्मार्ट वॉच यहाँ पे जो है कनेक्ट कर लिया, सिंपली आपको QR कोड स्कैन करना है एप्लीकेशन के बाद, एंड कुछ सेकंड के बाद ये आपकी कनेक्ट हो जाएगी। स्मार्ट वॉच तो हो चुकी है फाइनली कनेक्ट, एंड अगर हम यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मेटल फ्रेम आपको यहाँ पे मिलता है, एक बटन मिलता है, एंड बटन इतना क्लिकेबल नहीं है, वो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लगा। बाकी स्लीक डिजाइन आपको दिया गया, ये एक पॉलीकार्बोनेट बैग के साथ आती है। आपको सेंसर्स के साथ यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स, रिमूवेबल स्ट्रैप्स मिल जाते हैं जो कि सिलिकॉन्स के हैं। इवन दो ये फ्लेक्सिबल भी हैं एंड काफी अच्छी क्वालिटी वाले हैं। दो बकल्स के साथ ऊपर फास्ट ट्रैक की आपको ब्रांडिंग मिलेगी, एंड डिस्प्ले का कुछ ऐसा हाल आप देख सकते हैं, हल्का सा कर्व यहाँ पे दिया गया है, एंड ओवरऑल बेजल साइज थोड़ा सा ठीक है। अगर वॉलपेपर यहाँ पे चेंज करता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि कितना बेजल्स आपको मिलता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी साइड्स में यूनिफॉर्मल बेजल्स दिए गए। स्मार्ट वॉच का बॉक्स कंटेंट चेकआउट कर चुके हैं, अगर हम यहाँ पे स्मार्ट वॉच के बारे में देखें तो ये आपको एक कर्व डिस्प्ले के साथ मिलती है। 1.69 इंच का डिस्प्ले, 240 टू 280 का रेजोल्यूशन विद 500 nits की ब्राइटनेस जो कि ऑन रिस्ट काफी अच्छी दिखेगी, एंड इन डायरेक्ट सनलाइट भी जो इसकी डिस्प्ले है वो विजिबल है। व्यूइंग एंगल कुल मिलाकर मेरे को ठीक लगे, नीचे की ओर से जो बेजल्स है वो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी साइड से यूनिफॉर्मल, एंड ऊपर की तरफ से भी आपको ठीक ठाक बेजल मिल जाते हैं। यहाँ पे जो UI है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, बट UI मेरे को काफी स्मूथ लगा। हल्का फुल्का है कि थोड़ा बहुत एक्सीडेंटल टच हो जाते हैं, बट स्टिल वो वर्क कर रहा है, एज पर प्राइस काफी अच्छा। एंड एक और चीज मेरे को यहाँ पे लगी जो कि इम्प्रूव की जा सकती थी, इसका बटन ठीक है बट लाइक ऐसा लगता है कि प्रेस नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा सा चीजें रहती हैं। देन ये स्मार्ट वॉच आपको देती है मेटल बेल्ट विच इज रियली गुड, एंड फॉर द प्राइस इट्स रियली अमेजिंग। अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, क्या क्या फीचर आपको मिलता है, स्क्रीन हमने बात कर ली, UI बात कर ली, हेल्थ सेंसर वाइज आपको सिर्फ दो हेल्थ सेंसर मिलते हैं, हार्ट रेट एंड SPO2, दोनों के दोनों आपको कुल मिलाकर बढ़िया एक्यूरेसी के साथ मिलते हैं। फेक सेंसर मैंने चेकआउट किया ऑन टेबल या ऑन ईयर, कहीं भी वर्क नहीं कर रहा था, विच इज ए प्लस पॉइंट। एंड ऑन बॉडी अगर आप चेकआउट करते हैं तो हार्ट रेट की एक्यूरेसी मेरे को काफी अच्छी लगी, लाइक 98% हार्ट रेट एक्यूरेट है। सेम गोज विद ऑक्सीजन, बट स्टिल यार फॉर मेडिकल इमरजेंसी आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट पे ही भरोसा दिखाइए। देन यार आपको यहाँ पे काफी ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि स्मार्ट वॉच में कम, बट हाँ एप्लीकेशन में जाके आपको ज्यादा चीजें चेंज आउट करनी पड़ेंगी। मैंने एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस भी चेकआउट किया, वो मेरे को काफी अच्छा लगा, थोड़ा एडवांस है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, विच इज ए गुड पॉइंट। एंड अगर आपको कुछ चेंज करने हैं लाइक रेस टू वे का फंक्शन इनेबल करना है तो एप्लीकेशन में जाएंगे, BND वाला फंक्शन भी वहीं पे है, 24 आवर हार्ट रेट ऑन करने के लिए भी एप्लीकेशन का आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड यहाँ पे आपको 100 प्लस तो नहीं बट हाँ 90-80 वॉच फेस मिलते हैं, कस्टमाइज मिलते हैं, एंड वॉच पे आप सिर्फ 3 वॉच फेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्पोर्ट मोड की बात करते हैं, 7 यहाँ पे आपको मिलता है, कोई भी डेडिकेटेड स्विमिंग के लिए नहीं दिया गया, बट IP68 ये स्मार्ट वॉच सर्टिफाइड एंड ब्रांड ने बोला है कि वाटर रेजिस्टेंट ना कि वाटर प्रूफ, तो वो चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इवन तो IP68 है अंडर वाटर, ये आप लेके नहीं जाएंगे। फीचर्स वाइज मेरे को लगा कि कुछ कम फीचर्स यहाँ पे, कुछ के थोड़ा सा ज्यादा ही लगा। फीचर्स का मैं आपको सिर्फ स्टॉप वॉच टाइमर जैसे फंक्शन मिलेंगे, फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, फाइंड माई फोन का ऑप्शन है, फाइंड माई फोन का ऑप्शन लाइक अगर आप फोन से स्मार्ट वॉच फाइंड करेंगे तो जस्ट वाइब्रेट होगी, अगर स्मार्ट वॉच से आप फोन को फाइंड आउट करेंगे तो फोन आपका रिंग होगा, एंड वो थोड़ा सा इजी रहेगा फाइंड आउट करने के लिए, अगर वॉच भी रिंग होती तो भी बढ़िया रहता। देन वेदर अपडेट आपको मिल जाता है, फ्लैश लाइट का ऑप्शन यहाँ पे है, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, बट म्यूजिक कंट्रोल में आपको वॉल्यूम कंट्रोल का एंड म्यूजिक के नेम का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, तो यार म्यूजिक में जस्ट प्ले पॉज का ही ऑप्शन आपको मिलता है। नोटिफिकेशन एक्सेस वाइज अगर आप यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो आपको इनेबल करनी पड़ती है, इनेबल करने के बाद आप मोस्ट एप्लीकेशंस जो कि ट्रेंड में है, जो कि आप यूज करते हैं, तो वहां की नोटिफिकेशन आपको स्मार्टफोन पे मिल जाती है। मैसेज लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है बट हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहां से मैसेज आया। सेकेंड पॉइंट कॉल डिस्कनेक्ट का फंक्शन यहाँ पे है, एंड अगर आपके
फोन में नंबर सेव है तो नाम के साथ नंबर भी दोनों वहां पे शो करता है। कोई भी क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको स्मार्ट वॉच में नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ स्मार्ट वॉच के रेस टू वेक वाले फंक्शन की, तो मेरे को अगर लाइक मैं जैसे टेस्ट कर रहा था नॉर्मली इसको तो वर्क नहीं कर रहा, बट हाँ ऑन रेस्ट वो 9 टाइम वर्क कर रहा था आउट ऑफ 10। मैं काफी सरप्राइज था, सेंसर लाइक दोनों टाइप में वर्क करता है, डिस्प्ले ऑन भी हो जाती है ऑफ भी हो जाती है विच इज प्लस पॉइंट। एंड स्टेप की एक्यूरेसी पैरोमीटर की एक्यूरेसी भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। अगर आपको वुमेन हेल्थ फीचर ऑन करना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड जिन लोग को फर्स्ट टाइम स्मार्ट वॉच कनेक्ट करनी है तो उनको एप्लीकेशन वाला फंक्शन देखना पड़ेगा, वो मैंने अनबॉक्सिंग के साथ एक्सप्लेन किया, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं प्लस एंड माइनस पॉइंट के बारे में, क्या आपको यहाँ पे अच्छा मिलता है क्या अच्छा नहीं मिलता। फर्स्ट प्राइसिंग बिलो 2000 रुपीज है, आपको 1500 रुपए की ये स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है। सेकेंड थिंग बिल्ड क्वालिटी वाइज मेरे को काफी अच्छी लगी, डिस्प्ले क्वालिटी भी मैं बोलूंगा हाँ प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी आपको मिलती है, बट टच रिस्पॉन्स या टच कभी कभी वर्क नहीं करती, वो थोड़ी चीज है। फीचर्स वाइज काफी कम एंड काफी आपको लिमिटेशन के साथ ये स्मार्ट वॉच देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आपको इसेंशियल फीचर्स लाइक कैलकुलेटर का फंक्शन नहीं मिलता, गेम जैसे अदर स्मार्ट वॉच ऑफर करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, इवन तो काफी लिमिटेड फीचर्स यहाँ पे हैं। नंबर ऑफ स्पोर्ट मोड एक प्लस पॉइंट यहाँ पे है, 60 स्पोर्ट मोड आपको मिलता है विच इज गुड फॉर डे टू डे लाइफ। देन एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, IP68 अगर ये सर्टिफाइड है तो अंडर वाटर हम क्यों लेके नहीं जा सकते, क्यों ये सर्टिफाइड नहीं है अंडर 5 मीटर वाटर या अंडर 3 मीटर वाटर, क्यों हम इसको नहीं यूज कर सकते। तो अगर आपको एक स्मार्ट वॉच चाहिए जो अच्छे ब्रांड से हो तो आप इसको डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। आप मेरे को बताइए कि ये आपको कैसे लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।